माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2019, श्री रविशंकर प्रसाद टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2019। माननीय उपसभापति जी, सम्माननीय लोकसभा द्वारा पारित मैं बिल को इस सदन के विचार के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर इस बिल का सार बहुत संक्षेप है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर विशेष रूप से ये निर्णय किया था कि कई पुराने कानून जो हैं उनको हम समाप्त करेंगे। और सर इस विषय को देख रहा था, सर ये मेरे भी आश्चर्य था, 1860 के कानून, 1870 के कानून, एक कानून था सर कि घोड़ा गाड़ी कलकत्ते में कैसे चलेगी, वो कहाँ कहाँ रुकेगी। तो दुनिया बदल गई, देश बदल गया, तो फिर हमने दो लोगों की कमेटी बनाई सर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट से, और उन्होंने बनाने के बाद सर कई कानूनों को आइडेंटिफाई किया सर, 1824 कानून को आइडेंटिफाई किया सर, जो भारत सरकार के कानून थे जिनको रिपील करना आवश्यक है सर। सर अभी तक मुझे आपके माध्यम से सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दो कई माध्यम से हम लोगों ने अभी तक 1428 बिलों को रिपील किया है सर। वी हैव रिपील 1428 बिल्स बाय 2-3 इनैक्टमेंट्स एंड मेनी ऑफ दीज आल्सो इंक्लूडेड अमेंडिंग लॉज सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि सर आपको ध्यान आया होगा कि अगर हम किसी बिल को अमेंड करते हैं तो उसके लिए लाते हैं अमेंडमेंट बिल, और बाद में अमेंडमेंट होकर करके वो मेन एक्ट का पार्ट बन जाता है। लेकिन अमेंडिंग एक्ट स्टैट्यूट बुक पर अलमीरा पर पड़ रहता है सर, दैट नंबर ऑल्सो रन्स इन टू हंड्रेड सर, तो मेनी ऑफ दोज हैव बीन ऑल्सो सॉट टू बी रिपील्ड सर। नाउ सर व्हेन द स्टेट रिमेन्स अंडर प्रेसिडेंट रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, द पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू मेक लॉज इवन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। But even though the parliament is exercising the power for the state, those laws are for the state. And therefore, we identified about 229 laws, sir. And we requested the state government that these laws, in our considered view, are old, obsolete, not useful at all. They need to be repealed. So till date, 75 have been repealed by the various state governments. And we are also emphasizing upon them that you need to repeal it more and more. As I said, sir, 137 bill are still there, sir. Sir, I have found, sir, जैसे पुरानी चीज पर कुछ लोग sentimentally अपना control समझते हैं, उसी प्रकार से पुराने कानून पर भी कुछ विभाग कहते हैं ये तो हमारी चीज़ है, इसे क्यों repeal कर रहे हो। तो ये संघर्ष करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है सर। अब जैसे एक विषय चल रहा है सर, चर्चा मैंने वित्त मंत्री से भी की है सर, कि ये जो आपके फिनांस बिल हैं सर, सदन में आ गए, आके अपना काम कर गए, लेकिन अब 55 के फिनांस बिल, 60 के फिनांस बिल पड़े हुए हैं। तो वित्त मंत्री ने बहुत इसमें खुला हृदय दिखाया है, लेकिन वहां जो पारंपरिक सोच है ये तो हमारे आर्काइव्स का पार्ट है। तो सर दिस डिबेट ऑल्सो गोज ऑन वेयर वी हैव टू परसुएड, तो सर वो काम चल रहा है सर। प्रधानमंत्री ने एक और हमें निर्देश दिया है कि हमारा विभाग बाकी विभागों से समन्वय करके इस बात की चिंता करे कि क्या हम दो कानूनों को मर्ज कर सकते हैं। And that's a very good, exciting idea, sir. I want to share with this house that if we are able to scrutinize properly laws, whereby, suppose 3-4 laws in one way or the other operate in the same field and also separately operate in different fields, can we have a comprehensive law by merging those laws? So those issues we are also considering, sir. So in this slide, sir, today's bill seeks to repeal 58 central legislation, sir, which are already a part of the first schedule, sir. The names of all the bills, sir, sir, बहुत खोजते खोजते भी sir, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है sir, Public Account Defaults Act 1850. अब भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए sir, और 1850 को 2019 जोड़ें तो आप देख लें sir. दूसरा है Government Management of Private Estate Act 1892. अब जमींदारी कब की खत्म हो गई सर, लेकिन तो इसलिए इस तरह से चीज़ों को देखने पर कई पुरानी चीज़ें निकलती हैं सर। तो इस बिल के माध्यम से
हम उन्हें समाप्त कर रहे हैं, कई अमेंडिंग एक्ट को समाप्त कर रहे हैं। इनकी संख्या 58 है सर, और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि बाकी बिल हम करें। इसके पीछे सोच क्या है सर? सोच ये है कि हम देश को कानून से कम परेशान करें। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ गवर्नेंस एंड सुपरफ्लुअस अनकॉल्ड फॉर इरेलेवेंट और दोज लॉज विच हैव लॉस्ट देयर यूटिलिटी नीड्स टू गो। एंड इन द फर्स्ट 100 डेज वी हैव कम विद 58। एंड एज़ आई सेड इनिशियली अबाउट वी हैव ऑलरेडी रिपील्ड मोर देन 1,424 लॉज सर, and this is going to be a continuing process, sir. I would urge this house, sir, that this is an initiative which is in the right direction, sir. I would urge this house and through this house, sir, the entire country and the state governments, that periodic review of obsolete and irrelevant laws must become a part of good governance. And in that light, sir, we have come with this bill, sir. I don't want to speak longer, sir. मैं इस सदन से गुजारिश करूंगा सर कि शायद ये ऐसा बिल है जिस पर कोई राजनीतिक विवाद नहीं होगा, अपनी बात रखें लेकिन जल्द से जल्द पारित करें सर, यही मेरा आग्रह। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मोशन लगा आज मनोज जी भी ताली बजा रहे हैं, अभिनंदन आपका। आप बिल ऐसा लाए। मोशन मूव्ड।